आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, किसी भी कारण से चल रहा आपकी मैरिज में लगातार डिले। शादी विवाह के लिए बातें तो चलती है लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, शादी का रिश्ता तय नहीं हो पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एक ऐसा महाचमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो जल्दी से जल्दी आपकी शादी का रिश्ता तय करवा देगा। जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, यदि वो स्वयं इस उपाय को करे तो शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम आपके सामने होंगे। यदि लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, यदि वो किसी कारण से इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो इसका विकल्प रहेगा कि माता पिता में से भी कोई इस उपाय को कर सकता है, मां कर सकती है इस उपाय को। इस उपाय को करने के बाद आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार का कोई दोष बन रहा हो, किसी भी कारण से लगातार विवाह में विलंब चल रहा हो, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता तय हो जाएगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, बहुत ही आसान उपाय है लेकिन बहुत ज्यादा चमत्कारी यह प्रयोग है। मैंने काफी लोगों पर इसका प्रयोग करवा करके देखा है। इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना होगा। जानकारी देने से पहले बता दूं, पहले बार यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने मेरा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई उपयोगी महत्वपूर्ण सटीक जानकारियां लेकर के हमेशा इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहता हूं। मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपकी शादी कब होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, इस प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी आप जाकर के देखिए मेरे ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट। मैंने वहां पर 101% सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड कर रखे हैं जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है आपने चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि आगे कोई भी नया मेरा वीडियो आएगा तो सब्सक्राइब करके रखते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, महाचमत्कारी उपाय जो जल्दी से जल्दी आपकी शादी का रिश्ता तय करवा दे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको अपने घर में जिस पर श्वेत रंग के पुष्प लगते हो, ऐसा गुलाब का पौधा लाकर के लगाना है। यानी ऐसा गुलाब का पौधा जिस पे सफेद रंग के फूल लगते हो, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन लाकर के आप उसको घर का जो भी उत्तर पूर्व डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व जो भी डायरेक्शन है, ईशान कोण की दिशा में आप उसे रख दीजिए, या जहां पर भी आपके घर के अनुसार जहां पर पेड़ पौधे रखने की जगह है तो कहीं पर भी आप घर में रख दीजिएगा। पश्चिम दिशा को छोड़कर के, दक्षिण दिशा को छोड़कर के कहीं पर भी आप इस पौधे को रख सकते हैं। तो ये पौधा आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यदि पहले से घर में है तो आप ध्यान दीजिए दक्षिण पश्चिम दिशा से हटा करके कहीं पर भी शुद्ध पवित्र स्थान हो वहां पर आप उसको रख दीजिए। नहीं है तो आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ला करके घर में उस पौधे को लगा दीजिए और रात को सोने से पहले उसी दिन से आपको स्टार्ट करना है। एक तांबे का छोटा सा पात्र ले लें, उसमें जल भर करके आप जब सोते हैं तो रात को हाथ पांव मुंह धोकर के सोएं सोने से पूर्व, और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोएं, अपने सिर की तरफ उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल भर के अपने सिर की तरफ रख करके सोएं, और सुबह उठ करके लगातार जो आपने वो गुलाब का पौधा लगाया है सफेद पुष्प वाला, उसमें निरंतर जल डालना प्रारंभ कर दें। उस जल को उठ करके सुबह हाथ पांव मुंह धो करके, जरूरी नहीं है स्नान करके इस क्रिया को करें, आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं, लगातार वो जो जल का लोटा भरा है उसको गुलाब के पौधे में डालना शुरू करें। ध्यान रखिएगा, यदि किसी कारण से लड़का लड़की स्वयं इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता को करना है, तो उनको क्या करना होगा, घर का जो आपका पूजा स्थान है वहां पर तांबे के पात्र में जल भर करके रख दीजिए आप रात को, और भगवान से आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो पित्रादि देव हैं, उनसे प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता तय करवा देना प्रभु, ऐसी कृपा करना, अच्छा घर परिवार मिले और एक अच्छे घर में उसका रिश्ता हो, ऐसी विनम्र श्रद्धावनत होकर के प्रार्थना करें। और जल का लोटा आप घर के पूजा स्थान में रख दीजिए और सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर वो जल का लोटा आप उस पौधे में ले जाकर के डाल दें। और लड़का लड़की यदि स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कंटिन्यू सिर की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोएं और सिर की तरफ वो जल का लोटा भर के रखें और उठा करके उस गुलाब के जो आपने पौधा लगाया उसमें निरंतर डालना प्रारंभ करें और मनोकामना के लिए प्रार्थना करें, जल्दी से जल्दी विवाह के लिए
प्रस्ताव आने लग जाएंगे और जल्दी से जल्दी आपकी शादी का रिश्ता तय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई जैसे लड़कियां इस उपाय को कर रही है और जो अशुद्धि काल की अवस्था होती है तो उस समय 7 दिन नहीं करना, 7 दिन के बाद जब आप सिर धो लेते हैं तो उसके बाद फिर कंटिन्यू इसी तरीके से आपको करना प्रारंभ कर देना है। ध्यान दीजिएगा, कम से कम 108 दिन तो जरूर करना है आपको, 108 दिन के बीच में आपको इसको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अशुद्धि की अवस्था में यदि लड़कियां कर रही है तो 7 दिन वो ब्रेक जो करेंगे वो आगे काउंट कर लें, यानी 108 दिन तो करना ही करना है इस क्रिया को। तो किसी भी कारण से यदि बंधन योग बन रहा है आपके विवाह में, किसी भी कारण से लगातार विवाह में विलंब होने की स्थितियां बन रही है, बातें चलती है, सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, या बहुत सारे लोगों के सामने तो ये स्थितियां भी होती है कि शादी के लिए रिश्ता तय हो जाता है और फिर छूटने टूटने की स्थितियां बन जाती है, तो किसी भी कारण से विवाह में लगातार अड़चने आना, बाधाएं उत्पन्न होना, तो उसका एक बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है जो शीघ्र विवाह करवाने के लिए बाउंड माना जाता है। इस उपाय को करने से जल्दी आपकी शादी का रिश्ता तय हो जाएगा। पूर्ण श्रद्धा बनत होकर के भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हुए इस उपाय को लगातार आप जारी रखें। और प्रिय दर्शकों, आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप यूट्यूब से जो भी जल्दी से जल्दी विवाह होने के आप उपाय करते हैं, सपोज करिए यदि आपकी कुंडली का मैरिज हाउस 7th हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव से ग्रसित है, तो उस कंडीशन में आप साधारण कोई उपाय करते हैं तो वो काम नहीं करता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि हमने YouTube से देख के बहुत से उपाय किया लेकिन उसके बाद भी हमारी शादी नहीं हो पा रही है, तो फिर उनको प्रॉपर किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का सही से विश्लेषण करवाना चाहिए और कुंडली के अनुसार जो विशेष उपाय बनते हैं उन उपाय को आप जरूर करें, तो शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी आपकी शादी का रिश्ता तय हो जाएगा। यदि आप पहले बार अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार जाकर के मेरे ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है ना तो 100% आपको वहां वीडियो देखने भर मात्र से सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरे द्वारा जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।